बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो वही टिपिकल मेरा जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है कि कल तक जो चीज़ें देखी थी उसमें कोई इशू, कोई मसला, कोई डिस्कशन जो आप कल किताब से जाके देखा हो या अंडरस्टैंडिंग में? क्योंकि मेरा ये जो सवाल होता है वो इसलिए होता है कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने जब लेक्चर ख़त्म हुआ होगा उसके बाद आपने जाके किताब को भी देखा होगा, कि उसके अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना दिमाग लगाने की कोशिश की होगी और उसमें फिर कोई आपका कोई क्यूरी अगर कोई आती है तो आज के दिन स्टार्ट में हम डिस्कस कर लें। लेकिन अक्सर और बेशतर हमें उसमें क्यूरी नहीं आती, तो अच्छी बात है, चलें। अच्छा जी, चलें। कल हमारी डिस्कशन चल रही थी इकोनॉमिक सिस्टम के हवाले से और आज हम कोशिश करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम्स को डिस्कस करें और साथ में इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, उसकी डिस्कशन तक हम पहुंच सकें। और कल हम आज और कल में ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करेंगे कोशिश करके। जी, इकोनॉमिक सिस्टम हमने क्या कहा था कि वो जो तीन बेसिक क्वेश्चन थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, उनकी डिस्कशन थी कि जनाब वो कौन उनके ऊपर डिसीजन लेगा। तो कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान इकोनॉमी या जिसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिज्म की बातें करते हैं, तो उसको हमने कहा कि वहाँ पर सेंट्रल डिसीजन मेकिंग होगी, एक ही जो गवर्नमेंट है या रियासत है वो डिसीजन लेगी। और वो हमारी ये कल डिस्कशन थी। फिर कहा कि जी के लेजिस्लेटर, फ्री मार्केट इकोनॉमी, उसके अंदर हमने कहा जी के फ्री है, डिमांड एंड सप्लाई वो डिसाइड करेगी, उसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं होगा, उसको बगैर कंट्रोल के, बगैर नेविगेशन के वो चलेगी और इकॉनमी अपनी डायरेक्शन खुद तय करेगी, उसके अंदर कोई किसी किस्म की बाहर से कोई बैरूनी शख्स उसको कंट्रोल नहीं करेगा, इकॉनमी अपनी मामलात को खुद से अपने मैकेनिज्म के जरिए से डिमांड एंड सप्लाई के कंट्रोल करेगी। और फिर कहा गया इन दोनों से हट के एक मिक्स्ड इकॉनमी है। मिक्स्ड इकॉनमी क्या है? कम्बिनेशन ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल प्लानिंग। कुछ चीज़ें मार्केट के ऊपर छोड़ दी, मार्केट डिसाइड करेगी, कुछ चीज़ों के अंदर कहा कि यार ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा कि सिगरेट, अगर लोग कहते हैं कि हमें सिगरेट पीने हैं तो सिगरेट की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर हम कंट्रोल रखना चाहेंगे। एज ए सोसाइटी वी वुड लाइक कि जी के हर शख्स को सिगरेट, जिसको पीने हैं वो सिगरेट अवेलेबल ना हो, उसके ऊपर मुश्किल करें। तो वो जो गुड रिसोर्सेज एंड गुड्स, ऐसी गुड्स जो कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो हो, सिर्फ लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक सिर्फ चीज़ें ना चलती रहे। ये क्वेश्चन कई दफ़ा आया है, फीचर्स ऑफ प्लान इकोनॉमी, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लान इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी एंड व्हाट इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये किस तरीके के साथ वो क्वेश्चन ऑफ एंड ऑन को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पूछता, लेकिन ऑफ एंड ऑन पूछ लेता है कि करैक्टरिस्टिक्स बता दें इकोनॉमी के, प्लैंड इकोनॉमी के, या डिफरेंशिएट कर दें, या उसके कोई मिक्स इकोनॉमी के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स कौन से हैं वो बता दें। ठीक है जी, ये इस लिहाज से इसको हमें डिस्कस करना है कि कई दफ़ा वो पूछ लेता, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा पूछे, इम्पॉर्टेंट तो हर जो लफ्ज लिखा हुआ किताब में इम्पॉर्टेंट तो है, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें इस अंदाज से लेनी है कि किताब के वो पेपर में पूछता कैसे है। तो वो मैंने बता दिया कि वो करैक्टरिस्टिक भी पूछ सकता है, पूछता था, ड्रॉबैक्स बेनिफिट्स भी पूछता है, कंपैरिजन भी पूछता है। ठीक है जी, और क्या जी, प्लान इकोनॉमी, सबसे पहले प्लान इकोनॉमी, गवर्नमेंट डिसाइड करती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिपेंडेंट होता है सिस्टम पूरे का पूरा स्टेट के ऊपर। The motivations for this are not certain. However, this style of economic system was prevalent throughout the Soviet Union. Soviet Union जब था 1989 से पहले तक, with some countries only fully abandoning it at
द टर्न ऑफ 2000, इस सदी के स्टार्ट के ऊपर उसको खत्म कर दिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर अभी भी इसकी एग्जाम्पल हमारे सामने नजर आती है। करंट आज के दौर के अंदर भी नॉर्थ कोरिया के अंदर स्टेट कंट्रोल करती है रिसोर्सेज, स्टेट बताती है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस होनी है, क्या नहीं होनी, क्या आपके जो जो स्टेट के रेजिडेंट्स हैं वो किस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर थ्रू द स्टेट, वो स्टेट मैनेजमेंट कर दिया। लेकिन बाकी सब लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया। रशिया में भी अब उस तरीके से नहीं है, चाइना में भी उस तरीके से नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ वो मूव कर चुका है, चाइना भी कर चुका है, रशिया भी कर चुका है। वो अब प्राइवेट ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है जी, फीचर्स क्या हैं? एक सेंट्रल बॉडी होगी जो सारे चीज़ें डिसाइड करेगी, व्हाट हाउ एंड हुम, इस चीज़ को तीन क्वेश्चन जान सकते हैं। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सारे स्टेट ओन्ड होंगे, प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था। डिक्री क्या होती है, कहते हैं ना कि यार कोर्ट की डिक्री आ गई है। ये हमारा एक केस चल रहा था, उस केस का फैसला आ गया, फैसले को डिक्री कहते हैं कोर्ट की, यानी कि कानून के मुताबिक कानून ने ये कह दिया। अब उसके अंदर कोई आएं बाएं शाएं की गुंजाइश नहीं रही, ऑर्डर हो गया बिल्कुल। तो आएं बाएं शाएं नहीं हो सकती, आप उसके अंदर क्वेश्चन नहीं कर सकते मैं इतना नहीं इतना कर लेता हूं। अब जब कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है तो उसको मनोमन उसी तरह से तस्लीम करना होता है। इसी तरह से जब स्टेट ऑर्डर कर देती है कि जनाब ये रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे इस गांव के अंदर या इस एरिया के अंदर, एग्रीकल्चर के ये वाली प्रोडक्ट कास्ट की जाएगी, तो आप अपनी मर्जी से कोई दूसरी प्रोडक्ट वहां पे कास्ट नहीं कर सकेंगे, मनोमन आपको उसकी स्टेट की डिसीजन को मानना पड़ेगा। और फैक्टर प्राइसेस आर सेट बाय सेंट्रल प्लानिंग बॉडी। फैक्टर प्राइसेस, फैक्टर कौन से थे, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस हैं कि लेबर को कितनी प्राइसेस मिलेगी, लैंड की कितना आपको रेंट मिलेगा, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, उन सब की फैक्टर प्राइसेस को सेंट्रल प्लानिंग बॉडी ही डिसाइड करती है, क्योंकि सेंट्रली सब कुछ। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स क्या है, कुछ बेनिफिट्स भी हैं कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बेनिफिट क्या है कि जनाब नीड ऑफ सोसाइटी उसके मुताबिक हम बात करेंगे। जरूरत है गंदम की तो हमारी ज़मीन के ऊपर गंदम की काश्त हो, ऐसा ना हो कि लोग उसके ऊपर जो पोस्ट जिससे हीरोइन बनती है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, वो लोगों की इंटेंशन ये ना हो। जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर हम देखते हैं ज़मीन कल्टीवेशन जो होती है वो पोस्ट की फसल उसकी काश्त कर लेते हैं, क्यों, उसके अंदर नफा ज़्यादा होता है। लेकिन वो अल्टीमेटली आपकी सोसाइटी के लिए ओवरऑल इससे बैड प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट जब डिसाइड करेगी तो नीड ऑफ सोसाइटी के मुताबिक, जो गुड नीड ऑफ सोसाइटी या वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी उसके मुताबिक अपने रिसोर्सेज से को इस्तेमाल कर रही होगी। सोशल कॉस्ट भी गवर्नमेंट मद्देनजर रखेगी। जब कोई प्राइवेट बंदा फैक्ट्री लगाता है तो वो देखेगा अच्छा यार फैक्ट्री लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं जो गंदा पानी है ना उसको नाले में फेंक दूँ, उसको मैं साफ ना करूँ, जो उसके अंदर केमिकल हैं वो केमिकल मैं, मुझे खर्चा ना करना पड़े उस केमिकल को सफाई करने का या और, क्यों, उसका तो फोकस होगा कि मैं मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर जब बात होगी तो वो गवर्नमेंट देखेगी नहीं, ये अगर हम वेस्ट के अंदर केमिकल इतने फेंकेंगे उससे ज़मीन खराब होगी, ज़मीन से फसलें नहीं हो सकेंगी, लोग जो इसका पानी पियेंगे उन पानी के अंदर भी जहरीले मवाद शामिल हो जाएंगे, तो वो सोशल कॉस्ट को गवर्नमेंट कवर करने की कोशिश करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट इकोनॉमिक डिसीजन सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर नफ़ा कमाने के लिए नहीं ले रही, गवर्नमेंट इकोनॉमिक डिसीजन वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग के एलिमेंट के ऊपर ले रही है। क्लियर है जी, बेनिफिट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं।
सेंट्रल इकोनॉमी के बेनिफिट्स, नीड्स ऑफ सोसाइटी की बात हो गई, सोशल कॉस्ट की बात हो गई, फुल एम्प्लॉयमेंट होगी क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट कहेगी तुमने इस जगह काम करना है, तुमने इस जगह करना है, तुमने इस जगह करना है, इस जमीन के ऊपर ये कास्ट होगा, इस जमीन के ऊपर ये, इस जमीन के ऊपर ये, तो कोई जमीन खाली नहीं रह सकेगी, कोई बंदा जो है वो फारग नहीं रहेगा, सबको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंगेज करके उनसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर उनका हिस्सा पहुंचा देगी। डुप्लीकेशन, लेस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, ऐसा नहीं हो सकेगा कि किसी ने गंदम की काश्त की, दूसरे ने भी गंदम काश्त कर दी, तीसरे ने भी गंदम की काश्त कर दी, चौथे ने भी गंदम की काश्त कर दी, तो गंदम की फसल तो बहुत ज्यादा हो गई लेकिन लोगों ने उस साल में कपास की फसल के ऊपर काश्त ना हुई, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया। अब जरूरत नहीं थी सोसाइटी को गंदम की, लेकिन इतनी ज्यादा गंदम उग गई और जो दूसरी तरफ नुकसान हो गया कि हमें कपास ना मिल सकी, तो वो जब गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होगी सेंट्रल लेवल के ऊपर तो डुप्लीकेशन नहीं हो सकेगी, प्रॉपर सही तरीके के साथ कंप्लीट प्रोडक्शन हो सकेगी। परमिट्स लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल एंड सोशल प्लानिंग, अब वो गवर्नमेंट लेवल की जब बात है तो वो लॉन्ग टर्म सोशल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लानिंग करेगी कि यार अभी हम इस एरिया के अंदर एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, फिर कुछ पार्ट्स हमारे जो दूसरे प्रोविंस में बन रहे हैं उनकी फैक्ट्री भी हम यहाँ पे लगा देंगे ताकि नज़दीक से, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी इसका हिस्सा बन सकती है आसानी के साथ जब सेंट्रल होगी। मोर इक्वल क्लासलेस सिस्टम, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट था कि जो सीईओ है वो भी उतनी ही उसको सैलरी मिलनी चाहिए, उतनी ही उसकी ज़रूरियात हैं जितनी कि कोई पीएम की या स्वीपर की ज़रूरियात हैं, तो क्लासलेस, क्लासेज नहीं होती, सेग्रीगेशंस नहीं होती, आपके सोसाइटी के दरमियान में सेम इक्वल होते हैं इंसान सारे के सारे। तो ये तो कुछ बेनिफिट्स हमने देखे, क्लियर है जी बेनिफिट्स जनाब और जनाबास। अच्छा अब कुछ नुकसानात भी हैं, नुकसानात कौन से हैं, प्रॉफिट मोटिव नहीं है जी, तो जो एंटरप्रेन्योर है वो क्यों काम करेगा, इनएफिशिएंसी हो जाएगी, एक जमीन वाला था जिसके पास एक एकड़ जमीन थी, उसको गवर्नमेंट ने आर्डर दिया कि तुमने जनाब इसके ऊपर गंदम उगानी है, दूसरी जमीन वाले को भी आर्डर दिया तुमने गंदम उगानी है, अब गवर्नमेंट के आर्डर के मुताबिक वो बस गंदम उगाएंगे, ये कोशिश नहीं करेंगे कि गंदम में एफिशिएंट प्रोडक्शन लें क्योंकि उनको मुनाफा तो उस तरीके से नहीं मिलेगा, वो तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, फैक्टर कॉस्ट हमने यहाँ पे बात की थी, फैक्टर कॉस्ट कॉस्ट टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ये जो हमारी बात थी तो फैक्टर कॉस्ट गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है, इसलिए उनको मुनाफा तो अपनी मर्जी का नहीं मिलेगा, तो वो मोटिवेटेड नहीं होंगे उस तरीके के साथ अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, तो इनएफिशिएंसीज आएंगी, इनएफिशिएंट इकोनॉमी हो जाएगी। ब्यूरोक्रेटिक एंड स्लो टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग नीड्स ऑफ आर टेक्नोलॉजी, ब्यूरोक्रेटिक। सेंट्रल इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला है कि ब्यूरोक्रेटिक है, अब वो जो कुछ चेंज आई है किसी इलाके के अंदर, किसी जमीन के अंदर, किसी टेक्नोलॉजी के अंदर, वो पहले ना पूरे सेंट्रल इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल जो प्लानिंग डिवीजन है उसके अंदर जाएगी, वो डिस्कस करेगा, उसके उसके सोशल कास्ट देखेगा, उसकी इकोनॉमिक कास्ट देखेगा, उसकी वायबिलिटी देखेगा, उसके ऊपर एक कमेटी बनेगी, फिर दो कमेटियां बनेंगी, फिर वो उसको चेंज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो ब्यूरोक्रेटिक कानून असूल उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। और जबकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि यार अच्छा ये मशीन पुरानी हो गई है चलो इसको बंद कर दो, नहीं नई मशीन अच्छी आई है, इस मशीन से एक घंटे के अंदर एक कुर्सी बनती थी, दूसरी मशीन से एक घंटे के अंदर चार कुर्सियां बन जाती हैं, चलो भाई दूसरी मशीन लगा लेते हैं उसमें हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो वो डिसीजंस क्योंकि एंटरप्रेन्योर के बस में होते हैं तो वो क्विकली डिसीजंस ले लेता, यहां पे डिसीजंस जो होने हैं वो सेंट्रली होने हैं इसलिए डिसीजन मेकिंग इतनी क्विकली नहीं होती, ब्यूरोक्रेटिक एनवायरमेंट होता है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं होती। कंज्यूमर सॉवरेनिटी क्या है जी,
खुद मुख्तारी, सॉवरेनिटी कहते हैं, खुद मुख्तारी उर्दू में उसको, तो जो कंज्यूम करने वाला है उसको पास खुद मुख्तारी नहीं है। मेरे पास ये चॉइस नहीं है कि मैंने चावल खाने हैं तो मैं चावल की एक किस्म, दो किस्म, तीन किस्म नहीं, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था चावल वही सिर्फ पकेगा, वही बनेगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। जी, और लाइकलीहुड ऑफ करप्शन, करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से चाइना में करप्शन की सजा सजाए मौत है, कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा दे देते हैं। कि रिसोर्सेस, क्योंकि इतने बड़े लेवल के ऊपर, अब एक फैक्ट्री वाला था ना या एक जमीन वाला, उसकी फसल की किस्म, उसकी फसल की बात होती तो वहां पे तो उसको थोड़े रिसोर्सेज उसके पास थे, लेकिन अब सेंट्रल जो कमेटी बैठी है उसमें जो शख्स बैठा हुआ है वो पूरे मुल्क के फैक्ट्रियों को कंट्रोल कर रहा है, पूरे मुल्क की जमीनों को कंट्रोल कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके पास देखें पावर कितनी है। आई समझ, अब जब इतनी पावर आती है तो वहां पे करप्शन का भी चांस होता है कि यार अच्छा मैंने ये प्रोडक्ट बनाई है, मेरी ये मशीन जो थी ना इसको पेटेंट कर लें और अपनी तमाम फैक्ट्रियों में ये वाली मशीन लगवा लें ताकि मुझे बेनिफिट हो, जाहिर नहीं ये मशीन। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो शख्स इसका इंचार्ज है उसको मैं जाके कहूँ सर पुरानी मशीनें कहें कि सारी ख़त्म कर दें, नई मशीन ये लगाएं, ये एफिशिएंट है, हो या ना हो मैं उस बंदे को ब्राइब करने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे बेनिफिट मिल सके। और अल्टीमेटली क्योंकि उसके पास इतना इख्तियार है, इतनी पावर है। अच्छा जी, लैक ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम तो हमने बात की वो है ही नहीं है क्योंकि सेंट्रल कंट्रोल है, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होगी, पॉलिटिकल फ्रीडम भी वहां पे नहीं होती थी क्योंकि इकोनॉमिक्स को जब कंट्रोल कर लिया तो पॉलिटिकल भी कंट्रोल हो गया। फिर मार्केट इकोनॉमी क्या है, मार्केट इकोनॉमी फ्री लेजेंड फेयर जिसको हमने बात की, टर्म डिस्क्राइब हैंड्स ऑफ अप्रोच। नेविगेशन फ्री हैंड्स ऑफ अप्रोच, नेविगेशन के बगैर समुंदर में कश्ती, समुंदर की लहरों के मुताबिक बस कश्ती चलती जाएगी, उसको कोई देख नहीं रहा, कोई देखभाल नहीं कर रहा, नेविगेशन फ्री हैंड्स ऑफ अप्रोच बाय गवर्नमेंट। मिनिमम, देयर शुड बी मिनिमम इंटरवेंशन विद व्हाट द स्टेट डज विद इन द इकोनॉमी, छोड़ दिया उसकी डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के ऊपर। फीचर्स क्या हैं, रिलायंस ऑन द मार्केट प्राइस, मार्केट एंड प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई खुद से अपने हिसाब से बताएं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। प्राइवेट ओनरशिप, हर चीज की प्राइवेट ओनरशिप होती है और फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन खुद ही से कंट्रोल करते हैं, जो जमीन का मालिक है वो जमीन का मालिक है, स्टेट मालिक नहीं है, वो डिसाइड करेगा उसने जमीन के ऊपर कौन सी चीज उगानी है, कौन सी चीज नहीं उगानी, किसको उसने लेबर पे रखना है, कौन सी मशीनरी को इस्तेमाल करना है, वो प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट डिसीजंस लेते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव मोटिवेट्स इकोनॉमिक डिसीजन, मैं फिर उस मशीन को लगाऊंगा जो मुझे एफिशिएंट प्रोडक्शन देगी, मैं फिर जमीन को उस फसल के लिए इस्तेमाल करूंगा जहां से ज्यादा मुनाफा मिलता है, शायद मैं पोस्ट कास्ट कर रहा हूं ताकि वहां से मुझे मुनाफा ज्यादा मिलेगा। और वेजी देन अदर फैक्टर पेमेंट सेट बाय मार्केट, फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है पहले कंट्रोल इकोनॉमी में उसकी पेमेंट, उसकी कॉस्ट सेंट्रली फिक्स होती थी, इसमें अब मार्केट फिक्स करेगी। आप एक गंदम उगाते हैं तो गंदम तो एंड प्रोडक्ट है, गंदम उगाने के लिए जो लेबर आपने रखनी है, जब कभी लेबर अवेलेबल नहीं होती तो आपकी पर लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, जब लेबर सप्लाई ज़्यादा होती है तो पर लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, तो मार्केट फोर्सेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस को भी डिटरमिन करती हैं। बेनिफिट्स क्या हैं जी, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी, कंज्यूमर इज द किंग, क्लाइंट इज द किंग, कंज्यूमर कहेगा। आज अगर हम कंज्यूमर कहेगा कि जी मुझे
हीरोइन चाहिए तो उसको मार्केट हीरोइन प्रोवाइड करेगी। आज अगर कंज्यूमर कहेगा मुझे आइस चाहिए, आइस प्रोवाइड करेगी। कंज्यूमर अगर कहेगा मुझे कुरान पाक चाहिए, उसे कुरान पाक प्रोवाइड करेगी। कंज्यूमर कहेगा कि मुझे सिगरेट चाहिए, उसे सिगरेट प्रोवाइड करेगी। कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर की जो ज़रूरत होगी मार्केट उसको मुताबिक चल रही होगी, वो डायरेक्शन लेगी। इसमें प्लानिंग ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक जो है डिसीजन मेकिंग क्विक है, क्योंकि इंडिविजुअल प्राइवेट ओनरशिप है, इंडिविजुअल खुद से डिसीजन लेता है। डायनेमिक एंड रिस्पॉन्सिव है कि जिसको जो ज़रूरत है, ज़मीन के ऊपर गंदम नहीं काश करनी, बिल्डिंग बनानी है बिल्डिंग बना ले, बिल्डिंग नहीं बनानी स्कूल बनाना है स्कूल बना ले, स्कूल नहीं बनाना फैक्ट्री बनानी फैक्ट्री बना लें, जो फैक्ट्री नहीं बनानी फिर गंदम काश करनी दोबारा गंदम काश कर लें। डायनेमिक है, रिस्पॉन्सिव है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप उसको चेंज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक। चॉइस की फ्रीडम है, जो मर्जी आप कहेंगे वो मिल जाएगा। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं प्रॉफिट कमाएं। ऑटो एडजस्टेड प्राइस मैकेनिज्म, जो हमने मार्केट के अंदर अभी देखा भी था कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस मैकेनिज्म को एडजस्ट करती हैं, तो ये तो बेनिफिट्स आ गए। ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स कहेंगे इनइक्वालिटीज, अमीर अमीर तक, गरीब गरीब तक। फोकस क्या था एंटरप्राइज का? प्रॉफिट, प्राइवेट ओनरशिप। तो जो प्रॉफिट कमाने वाला है वो कहाँ से प्रॉफिट कमाएगा? गरीबों से, जो कंज्यूमर्स हैं उनसे प्रॉफिट कमाएगा। तो रिसोर्सेज कहाँ पे सैचुरेट होना शुरू हो जाएंगे? अमीरों के हाथों में ज़्यादा जाना शुरू हो जाएंगे, गरीबों के हाथों में कम रहेंगे। तो इनइक्वालिटीज जो है वो सोशल अनडिजायरेबल रिसोर्स एलोकेशन अनडिजायरेबल होगी। सोशल कॉस्ट को ख़त्म कर देगा, वो कहेगा नहीं यार पानी में केमिकल भी है जहर भी है तो कोई मसला नहीं, मैं क्यों इतनी दर्द लूँ, मेरी प्रोडक्शन हो रही है और वो प्रोडक्ट बिक रही है, उसमें मुझे मुनाफा आ रहा है, मैं ऐसे ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाऊंगा उसके लिए मुझे इतनी एफर्ट करनी पड़ेगी, कॉस्ट आएगी, मेरा प्रॉफिट कम होगा, मैं क्यों इसको करूँ। लग्जरीज के ऊपर फोकस, क्योंकि कंज्यूमर किंग है तो कंज्यूमर के अंदर भी अमीर लोग जो होंगे उनकी बात को ज़्यादा मानेगा क्योंकि वो ज़्यादा नफा देंगे, तो लग्जरीज के ऊपर फोकस होगी, नेसेसिटीज़ के ऊपर नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने के चक्रों में पड़े होंगे। ग्रोथ मोनोपोलीज, मोनोपोलीज बन जाएंगी क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगी। मोनोपोली, मोनोपोली क्या होती है? जहाँ पे कंपटीशन कम हो जाए, कंपटीशन ना रहे, प्रोड्यूसर कॉन्सेंट्रेट होता जाए, एक अकेला ही प्रोड्यूसर जो था वो प्रोडक्ट सप्लाई करता रहे, वो मोनोपोली होती है। तो क्योंकि जहाँ पे एक ही शख्स या रिसोर्सेस को हम देख रहे हैं कि एक वो प्राइवेट ओनरशिप है, उस वजह से वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश कर रहा है। जब ज़्यादा प्रॉफिट होता जाएगा तो वो दूसरे कंपटीशन को मुश्किल कर देगा मार्केट में रहना, और मोनोपोलीज बनने की चांसेस हो जाएंगे। एक्सप्लाइटेशन होगी, एक्सप्लाइटेशन ऑफ वीक इकोनॉमिक एजेंट, इतना एक्सप्लाइटेशन होगी, गुर्बत में गरीबों को बात नहीं मानी जाएगी। अच्छा जी, क्लियर है? कुछ ज़्यादा थ्रेटिकल तो नहीं हो रहे हम? ज़्यादा थ्रेटिकल हो रहे हैं या क्लियर है? क्या जवाब जी था? जी किसका जवाब है? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि ये आपने जाके बाद में रिप्रोड्यूस करना है ना, पेपर में मैंने तो नहीं बोलना या किताब से तो नहीं देखना। कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा क्लियर हो तो पेपर में जवाब देना आसान हो जाता है। अच्छा जी, फिर आगे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी क्या है? ये बेसिकली हम समझ रहे हैं कि तो आजकल की दुनिया में हमें मिक्स्ड इकोनॉमी ही नज़र आती है ज़्यादातर। लेजर फेयर का और कंट्रोल इकोनॉमी का दौर गुजर चुका है, अब मिक्स्ड इकोनॉमी की बातें ही ज़्यादा हैं। मोस्ट कंट्रीज चिल्ड्रन एजुकेशन को फोकस करना चाहेंगी, हम ये नहीं चाहेंगे कि वो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही छोड़ दिया जाए, हम फोकस अपनी सोसाइटी के ऊपर रखना चाहेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि लोग नशे की चीज़ों के ऊपर कारोबार करें, हम चाहेंगे सोसाइटी को कंट्रोल करें। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि लोग सड़कें ना बनाएं, सड़कों को बनाने की ज़रूरत होगी। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि लोगों की इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर हो जाए।
तो दोनों को मिक्स रखेंगे, साथ में ये भी नहीं चाहेंगे कि सारा बर्डन व्यापक पर है, हम ये भी चाहेंगे मार्केट फोर्सेस आपस में डिसाइड करें, मार्केट के मुताबिक कंज्यूमर सॉवरेनिटी भी हो, तो दोनों का मिक्सचर जो है ना वो अब चाहिए। फीचर्स क्या है? मार्केट मैकेनिज्म फिर यहां पे इंपॉर्टेंट है, और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स की डिसीजन मेकिंग होती है। पेट्रोल की प्राइसेस क्या होंगी, क्या होंगी पेट्रोल की प्राइसेस? जो हमारा ओग्रा डिसाइड करेगा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऐसा ही ना पाकिस्तान में हर 15 दिन के बाद 30 दिन के बाद पेट्रोल की प्राइसेस ओग्रा ने समरी मूव कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी इजाजत दे दी, या काबीना कैबिनेट में उसकी डिस्कशन हुई। तो वो असल में तो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती तो गवर्नमेंट को पेट्रोल की प्राइस फिक्स करने की जरूरत नहीं थी, पेट्रोल को रेगुलेट ही नहीं करना था, जरूरत नहीं थी। अब मिक्स इकोनॉमी है इसलिए, और पेट्रोल एक ऐसी चीज है जो कि हर शख्स की जरूरत है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलना है, गाड़ी में पेट्रोल डलना है, फैक्ट्रियों के अंदर जो जनरेटर्स लगे हुए हैं, फैक्ट्रियों के अंदर जो बॉयलर्स लगे हुए हैं, वुड को चलाने के लिए शायद पेट्रोल डीजल गैस वगैरह कुछ चाहिए, तो हर शख्स की जरूरत है। तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एक मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मेजर रॉ मटेरियल है, उसको फिर गवर्नमेंट कहती है कि हम कंट्रोल करेंगे इसको, सिंपल मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ देंगे कि मार्केट में लोग स्पेकुलेशन की बेस के ऊपर कि शॉर्टेज आ रही है जी तो उसकी कीमत बढ़ा दी और काम सप्लाई रोक दी और अपनी मर्जी से करते रहे, उस पर ना चलें। मार्केट के अंदर प्लेयर्स को मैनिपुलेट करने से रोकने के लिए गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है। अगर कोई गवर्नमेंट की प्राइस से हट के बेचने की कोशिश करता है, ज़्यादा प्राइस देने की कोशिश करता है, तो गवर्नमेंट आके उसको पकड़ लेती है, उसके ऊपर कानूनी चाराजोई करती है। तो इस लेकिन आलू की प्राइस क्या होगी या चेयर्स की प्राइस क्या होगी, ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, ये नहीं गवर्नमेंट डिसाइड करती, वो कहती है चेयर्स की प्राइस मार्केट फोर्स आपस में डिसाइड करे, क्योंकि इसके अंदर मिसमैनेजमेंट का या स्पेकुलेशन से लोगों के अनरेस्ट का चांस कम है। जहां पे लोगों के अनरेस्ट का, लोगों के वेलफेयर के ऊपर मसले की चांस होगा, वहां पे हम इंटरवीन करेंगे। इसीलिए गंदम की प्राइस उसने कहा मैं फिक्स करूंगी, फिर उसने कहा दूध की प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज बना दी, और सब्जियों की प्राइसें प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वो मैनेज करती हैं। ठीक है, स्टेट का रोल मेंटेन फ्रेमवर्क ऑफ लॉ विद इन इकोनॉमी एंड कॉमर्स, रेगुलेट करती है। मैं खुद बोर हो गया हूँ यार, आप तो नहीं बोर हो गए? है भाई थोड़ा सा, हाँ ये वही बातें रिपीट हो रही हैं और वही सारी चीज़ें हैं। फिर उसी में गवर्नमेंट एलोकेट करेगी रिसोर्स, उसके बेनिफिट्स होंगे, उसके ड्रॉबैक्स होंगे, जो वही बातें थी ना, डायनेमिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बेनिफिट्स हो जाएंगे फलाना फलाना, ये इसको पढ़ लेंगे आप। बहरहाल इसमें कोई नई चीज़ कोई नहीं है, ये सिर्फ एक है जिसको थोड़ा सा देख लें कि जनाब फ्री मार्केट्स और प्लैंड इकोनॉमीज, ये जो एरिया है ये यूएसए फ्री मार्केट के ज़्यादा नज़दीक है, और नॉर्थ कोरिया हमें लगता है कि आजकल के दौर में प्लैंड इकोनॉमीज के ज़्यादा नज़दीक है। बाकी लोग सिंगापुर, यूके, जर्मनी, चाइना, स्वीडन, क्यूबा, पाकिस्तान, ये मिक्स इकोनॉमी के पास आते हैं, इनका शुमार मिक्स इकोनॉमीज के अंदर होता है। अच्छा जी, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? ये तो हमने पढ़ लिया आज के दौर के मुताबिक मिक्स्ड इकोनॉमीज और फलाना फलाना फलाना। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, आपका क्या ख्याल है? अलीशा, फिजा, हमदान, नुमान, निमरा, सदब, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या? क्या कहीं पे हमें दुनिया में इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कहीं पे नजर आता है?